हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अमित कुमार सिंह, एमडी मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप, तो नॉर्मल भाषा में हम लोग बीपी की बीमारी कहते हैं। उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, दवा के साथ में डाइट का भी हमको बहुत ही ख्याल रखना रहता है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर में डाइट क्या होना चाहिए। डाइट में सबसे पहला आता है यंगस्टर्स। यंगस्टर्स में भी आजकल ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी समस्या देखी गई है, जिसमें कि सिगरेट और तेलीय खाना, तेलीय खाद्य पदार्थ, तेल मसाला ज्यादा खाना, ये सब चीजें बहुत ही रिस्की होती हैं। और जिडियाट्रिक एज ग्रुप, यानी कि जो थोड़ा ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको थोड़ा नमक का सेवन कम करना चाहिए, तेल मसाला, अगेन तेल मसाला भी उनको कम करना चाहिए, और ज़्यादा नॉनवेज वगैरह, मटन वगैरह, ये सब पे फोकस नहीं करना है। हेल्दी खाने पे फोकस करना है, हरी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका डाइट, दूसरा आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उसके बाद में आप को कहीं ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, झगड़ा नहीं करना है कहीं पे, बहुत काम डाउन होके काम करना है। एक्सरसाइज भी बहुत एक्सेस नहीं करना है, बहुत ही तेज तेज नहीं करना। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो स्लो वॉक करिए, बहुत फास्ट वॉक भी नहीं करना है। एक्सरसाइज भी बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बहुत ज्यादा हाइपर होके नहीं करना है। ये दो चीजें हो गई आपका डाइट, एक्सरसाइज। तीसरा आता है जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही रिस्की है, वो है चाय, कॉफी इत्यादि। चाय कॉफी बहुत नुकसान करता है हमारी लाइफस्टाइल पे, रोजमर्रा की जिंदगी में चाय कॉफी बहुत ही कॉमन चीज है। आदमी घूमते टहलते भी कभी बोला चलो एक कप पी लेते हैं, चलो दो कप पी लेते हैं, और एक कप दो कप आप पिए, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो ये आपको बीमारी का बुलावा देता है। इसको आप स्किप कर सकते हैं, ग्रीन टी से, ग्रीन टी लीजिए, बहुत ही लाभकारी होता है हेल्थ के लिए। और तीसरी चीज हो गई, चौथी चीज आ गई मेडिसिन। अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप ये ना सोचें कि केवल डाइट और एक्सरसाइज से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप तुरंत अपने कंसल्टेंट से मिलिए और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए, और जो भी कंसल्टेंट आपको जांच बोलते हैं, जैसे ईसीजी हुआ या जो भी चीज़ है, उसको तुरंत करवाइए, क्योंकि बीपी में, ब्लड प्रेशर में ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं। और आप स्वयं डॉक्टर कभी ना बने, आप ये ना समझें कि मैं केवल डाइट मेंटेन करके अपना बीपी कम कर सकता हूँ। ऑब्वियसली होता है, बट वो भी एक सुपरविजन में होना चाहिए। आप किसी एमडी मेडिसिन से मिलिए, वो आपको बताएंगे कैसे आपको क्या डाइट लेनी है, दवा क्या लेनी है, कितने टाइम लेनी है, और इससे ये फायदा रहेगा कि आप आगे होने वाली किसी भी बड़ी समस्या से बच सकते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।